हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है, ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। अप्रैल 2023 में साजा विधानसभा क्षेत्र के बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने भुवनेश्वर साहू के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया था, लेकिन भुवनेश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद भाजपा ने ईश्वर साहू को विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के रविंद्र चौबे को 5,196 मतों से हराया। साजा में प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ईश्वर साहू सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई के प्रतीक हैं। अंतिम दिन मैं ईश्वर साहू की विधानसभा में प्रचार करने जाऊंगा। हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है, ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का की जो सरकार है, बीरनपुर में सांप्रदायिक तत्वों ने भाई ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर को लॉन्च लॉन्च कर मार डाला और ऊपर से भूपेश कक्का के लोग वहां पर साहू जी को चेक लेकर गए, नौकरी लेकर गए और कहा कि आप न्याय की मांग मत करो। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं साहू जी को, इतनी गरीबी में भी उन्होंने कहा मुझे तेरा रुपया और नौकरी नहीं चाहिए, मेरे बेटे का न्याय चाहिए। और आज साझा में भरी सभा में मैं कहकर जाता हूं भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। मैं आज भूपेश कक्का को कहने आया हूं कि सांप्रदायिक ताकतों के लिए वोट बैंक की शरण में आप गए हो। छत्तीसगढ़ में न जाने कितने भुवनेश्वर साहू शहीद हो गए, मगर आपके माथे पर जू नहीं रहेंगे। भूपेश कक्का, आपका समय अब समाप्त हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं बताता हूं भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वाले हरेक व्यक्ति को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल के सलाखों के पीछे डालेगी। ANI से बात करते हुए ईश्वर साहू ने बताया कि उनकी जीत अन्याय के खिलाफ है, न्याय की है। महसूस तो हर कोई तो जीत की महसूस तो करते हैं। ये अन्याय पे न्याय की जीत हुई से, अब ये जीत मोर साझा विधानसभा क्षेत्र की जनता में लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।